हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडर। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा मीट्रिक्स बेस की सीरीज चल रही है, जिसका चैप्टर वन बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा रही हूँ। इसका आज लेक्चर नंबर थर्ड है ये, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगी कि डिस्क्रीट मीट्रिक्स बेस क्या चीज़ होती है, और एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 5 और 8 करेंगे। बच्चों, लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, ये बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 है। बुक आपकी मैं वही फॉलो करती हूँ जो आपके सिलेबस में सतीश, शेर अली और वासुदेवा वाली, उसका ही है ये एग्जाम्पल 5। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस बोलते हैं इसको। देखो क्या है ये, कि लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी, एनी नॉन एम्प्टी सेट। देन वी डिफाइन अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर। आपको पता है मीट्रिक हम डी को ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर कार्टीजियन प्रोडक्ट लेते हो इधर, तो ये एक्स क्रॉस एक्स से आर के ऊपर जा रहा है बाय डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इट इज़ 1, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई दोनों नंबर बराबर होंगे तो वैल्यू 0 है, मतलब डिस्टेंस उनके बीच का 0 हो गया, और एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो डिस्टेंस उनका बीच का हमने 1 लिया हुआ है। शो दैट डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स। तो आप सबको मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन मालूम है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज मालूम है, तो यू हैव टू वेरीफाई दोज 4 प्रॉपर्टीज हेयर, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात हमें पता है कि हमें प्रूफ करना होता है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एक्स। तो यहाँ पे देखो, आप या तो डी एक्स वाई 0 वैल्यू ले रहा है या 1 ले रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही ना। तो बाई डेफिनेशन ऑफ डी, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमारी प्रूफ हो गई दैट डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर बात आती है कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस फ्रॉम द गिवन डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ा, हमें अपने आप मिल गया, ठीक। फिर हमें क्या करना होता है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे को प्रूफ करना होता है, डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, सिमेट्री हमें प्रूफ करनी होती है। तो आपको देखिए बच्चा, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन उसके अंदर ही बाय द डेफिनेशन ऑफ डी। अब मैं x की जगह y कर दूँ इस वाली पूरी स्टेटमेंट के अंदर, तो क्या बन जाएगा, डी वाई एक्स इक्वल टू 0 इफ y इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू y लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स आ गया इफ x इक्वल टू y। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्वियस हेयर। बट अगर मेरा डी एक्स एक्स नॉट इक्वल टू y है, अगर x नॉट इक्वल टू y होगा तो आपको पता है डी एक्स वाई क्या वैल्यू ले रहा है, 1 ले रहा है, ठीक है। अगर मैं डी वाई एक्स निकालती तो वो भी तो 1 ही लेता है, जब x और y दोनों बराबर नहीं है तो, ठीक है ना। तो उसने भी वैल्यू 1 ले ली, तो मुझे पता चला कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों बराबर हो गए जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो अगर एक्स इक्वल टू वाई हो या एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो, दोनों ही केसेस के अंदर सिमेट्री होल्ड कर रही है। तो मैंने लिख दिया बाय 1 और 2 डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू एक्स। क्लियर हो गई बच्चों बात। नाउ द थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी इज, वी हैव टू शो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी क्या होती है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंगिंग टू एक्स, ठीक है ना। ये है, अब बेटा बस यहाँ पे क्या बात का ध्यान रखना है कि हमें दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ जाएंगे, वेन एक्स इक्वल टू वाई एंड वेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमने पहले लिया केस एक्स इक्वल टू वाई। आप सबको पता है बाय डेफिनेशन ऑफ डी, डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा वेन एक्स इक्वल टू वाई। तो मुझे पता चला ये जो मुझे चीज़ प्रूव करनी है, इसमें जो लेफ्ट साइड है डी एक्स वाई वाली, वो तो 0 हो गई, ठीक है। आप राइट साइड को देख लें, तो राइट साइड में क्या है मेरे पास, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इसकी वैल्यू और निकाल लेते हैं डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई की। तो देखो बेटा, डी एक्स जेड क्या है और डी जेड वाई क्या है, आपने ऊपर देखा कि या तो वैल्यू 0 ले रहा है या 1 ले रहा है, तो है तो ग्रेटर देन 0 ही ना, हमने प्रूफ भी किया, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। तो अब आप देखिए, लेफ्ट साइड 0 है और राइट साइड आपकी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है बच्चों। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई आ गया। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब केस 2 ले लेते हैं, वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो आप सबको पता है क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई हमारा 1 होता है, तो हमने लिख दिया डी एक्स वाई इक्वल टू 1। अब देखो, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई तो 1 आ गया हमारे पास, तो लेफ्ट साइड तो मेरी 1 आ गई। अब मुझे राइट साइड देखनी है। अब राइट साइड के लिए मुझे दोबारा से केस बनाना पड़ जाएगा, क्योंकि राइट साइड में मेरे पास जेड होगा। अब डी एक्स जेड और डी जेड वाई दो की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो ये डिपेंड करता है एक्स और जेड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखो बेटा, अगर जेड डिफरेंट फ्रॉम एटलीस्ट 1 ऑफ द एक्स एंड वाई, मतलब दोनों में से किसी एक से डिफरेंट है, मान लीजिए, तो मैंने मान लिया कि सपोज कर लो एक्स नॉट इक्वल टू जेड है। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जेड है तो डी एक्स जेड क्या होगा, 1 हो जाएगा बाई डेफिनेशन ऑफ डी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे तो डी एक्स वाई था, उसकी वैल्यू 1 आ गई। अब राइट साइड क्या बन जाएगी, राइट साइड थी मेरी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई,
तो डी एक्स जेड तो वन है और डी जेड वाई मैंने एज इट इज लिख दिया। अब डी जेड वाई बेटा या तो जीरो होगा या ये वन होगा, है ना, हमारे पास यही होगा। तो कोई भी हो, ये है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही, ठीक है। तो वन प्लस सम पॉजिटिव नंबर आ गया, तो लेफ्ट साइड तो मेरी आ गई बच्चों इक्वल टू वन और राइट साइड मेरी आ गई है वन प्लस सम पॉजिटिव नंबर, क्लियर है। तो दोनों मिलके मुझे क्या बता देंगे कि राइट साइड बड़ी हो गई, तो लेफ्ट साइड इज लेस देन इक्वल टू RHS है, तो आपके पास आ गया डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरा केस ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी मैंने उसमें लिया था यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू जेड, यही लिया था ना, देखो इधर यहाँ पे मैंने केस लिया हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू जेड। अब बिल्कुल सेम तरीके से आप वाई नॉट इक्वल टू जेड का केस कर दीजिए, सब बच्चे कर सकते हैं। एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो लेफ्ट साइड तो आपकी वन आ जाएगी, डी एक्स वाई इक्वल टू वन है। अब जेड नॉट इक्वल टू वाई है तो डी जेड वाई वन हो जाएगा, तो अब की बार मेरे पास क्या बन जाएगी राइट साइड, राइट साइड है मेरी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो इसमें डी एक्स जेड अब सम पॉजिटिव नंबर आ जाएगा और डी जेड वाई की जगह मैं वन लिख लेती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा वन प्लस सम पॉजिटिव नंबर, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे आपने ऊपर वाला केस किया है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे तो वन प्लस सम पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट साइड पे वन ही है आपके पास, ठीक है ना। तो ये मेरे पास प्रूफ हो गया। अब लास्ट केस मेरे पास बचता है कि जब तीनों ही डिफरेंट, ठीक है ना, एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो आप खुद सोचिए बच्चों, तो डी एक्स वाई वन हो जाएगा, डी वाई जेड भी वन हो जाएगा और डी एक्स जेड भी वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली, अब लेफ्ट साइड देखो मेरी क्या थी डी एक्स वाई, उसकी वैल्यू कितनी है वन, राइट साइड मेरी कितनी है डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, तो दोनों के दोनों वन है, तो वन प्लस वन क्या आ गया टू आ गया, तो वन इज ऑलवेज लेस देन टू, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा जितने पॉसिबल केसेस थे मैंने सारे कंसीडर कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन सब के अंदर ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड कर रही थी, तो मुझे पता चला कि डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स, ठीक है, एंड एक्स डी इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, क्लियर हो गया बच्चों। सो दिस इज द डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था आपकी बुक में। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको जरा एक्सरसाइज से करा दूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन 5 है। अभी सारे एग्जाम्पल्स खत्म नहीं हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स कराऊंगी। और तो देखिए, शो दैट डी एक्स वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, डिफाइन समीट्रिक ऑन आर। तो इसने आपको बोला कि डी एक्स वाई की क्या डेफिनेशन है, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक है। वैसे सब बच्चों को आना चाहिए ये करना, आप इतने एग्जाम्पल्स कर चुके हो, तो एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए सब बच्चे, और फिर अपना आंसर यहाँ से मैच कीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि डी एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई, जिसके ऊपर आपका मीट्रिक डिफाइन है, हमारा आर पे डिफाइन है, तो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू आर इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डी एक्स वाई मेरा क्या है, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई। आप देखिए मॉड है अंदर अंडर रूट के, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो आपका पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लोगे तो आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, डी एक्स वाई को जीरो डाल दीजिए। जब डी एक्स वाई को जीरो डाला आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ है और उसका अंडर रूट आपने निकाला है तो जीरो आया, तो इसका मतलब अंदर जो भी चीज़ है वो भी जीरो है, तो मॉड एक्स माइनस वाई जीरो आ गया। अब कोई नंबर हमने लिया और उसका मॉड अगर जीरो है तो वो नंबर जीरो हो जाएगा, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो दिस मीन्स एक्स इक्वल टू वाई। सो डी, ये तो मेरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई इक्वल टू जीरो वाली। अब मुझे क्या लेनी है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी लेनी है। तो सिमेट्री में क्या आएगा, देखो डी एक्स वाई क्या होता है, दिस वन जो हमारी डेफिनेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो इसमें मैं एक्स को वाई कर दूँ और वाई को एक्स कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने x को y कर दिया और y को x कर दिया क्योंकि मॉड लगा हुआ था, तो ये किसके बराबर है, डी वाई एक्स के बराबर है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए, मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है बेटा। उसके लिए मैंने को क्या प्रूफ करना है, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, दिस इज समथिंग विच आई हैव टू प्रूफ नाउ, ठीक है। तो इसके लिए बेटा मैं सबसे पहले एक इनइक्वालिटी प्रूफ करना चाहती हूँ, क्या होगी जो, क्योंकि मेरे को ये यूज़ करनी पड़ेगी ना, अंडर रूट का केस है। तो मेरी इनइक्वालिटी है अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। सो आई एम प्रूविंग दिस इनइक्वालिटी फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ले लीजिए बेटा, मैं पहले ए प्लस बी को कंसिडर किया, आई कैन ऑलवेज राइट ए एज रूट ए स्क्वायर, आई कैन ऑलवेज राइट बी एज रूट बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर अगर मैं कोई टर्म ऐड कर दूँ टू रूट ए बी, तो ये वाली कंडीशन टर्म बड़ी हो जाएगी ना, तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म प्लस टू रूट ए बी। मैंने कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर दिया इधर की साइड पे, तो ये साइड बड़ी हो गई है।
अब इसको देखिए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, रूट ए प्लस रूट बी का परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। तो मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो स्क्वायर रूट लिया मैंने दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आ गया, रूट ए प्लस बी इज लेस देन रूट ए प्लस रूट बी। एंड आई हैव प्रूव दिस रिजल्ट फॉर ऑल रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो अब देखो बेटा मेरे पास क्या है, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई की डेफिनेशन क्या आती है, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब मेरे को, आपको पता है सबको कि जेड इसके अंदर लेके आना है, तो माइनस भी करते हैं जेड और प्लस भी करते हैं जेड, ये काम हमने बहुत बारी किया हुआ है। सो वट आई डिड इज कि मैंने इस एक्स माइनस वाई में जेड माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, फिर मैंने x माइनस जेड की एक टर्म बना ली और z माइनस वाई की दूसरी टर्म बना ली और ट्राइंगल्स इनइक्वालिटीज के अंदर यूज़ किया, तो मेरे को क्या मिला, दिस इज लेस देन इक्वल टू ये दिस मॉड x माइनस जेड प्लस मॉड z माइनस वाई। ठीक है ना, यहाँ तक आ गया। अब ये देखो, ये आपने अभी अभी प्रूव किया है कि अगर मैं इस मॉड x माइनस जेड को a मान लो और मॉड z माइनस वाई को मैं b मान लो, तो मेरे पास बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a प्लस b। तो आपने यहाँ पे देखिए स्टार में अभी अभी प्रूफ करिए ना, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, लेस देन अंडर रूट ऑफ दिस टर्म प्लस अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। मतलब व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड और बी को मैंने ले लिया मॉड ऑफ जेड माइनस वाई। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने ये कंडीशन यूज करके स्टार के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो अब अंडर रूट ऑफ दिस क्या बन गया, डी एक्स जेड, और ये z माइनस वाई वाला क्या बन गया, डी जेड वाई बन गया। क्लियर हो गई बच्चों बात, तो ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी प्रूफ हो गई मेरी, जो मैंने ऊपर रिजल्ट प्रूफ किया था उससे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, हेंस डी इज अ मैट्रिक ऑन R। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8th, देखिए बेटा ये पेज 58 पे एक्सरसाइज नंबर 1.6 का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.6 राइट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, लेट x इक्वल टू सी जीरो वन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन द इंटरवल 0 to 1 फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू x। डिफाइन किया है उसने डी एक्स वाई एज सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स टी माइनस वाई टी, वेयर t बिलोंग्स टू द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 1। ठीक है, सुप्रीमम है इस एक्सप्रेशन का। आपको बताना है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स टी इक्वल टू टी एंड वाई टी इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स टी इक्वल टू टी आपका ड्रॉ कर लो और वाई टी इक्वल टू टी स्क्वायर ड्रॉ कर लो। देखो एक्स इक्वल टू टी एक स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू दी ओरिजन, वाई टी इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब दिस इज अ पैराबोला। ठीक है ना, तो आपने इसके लिए एक पैराबोला ड्रॉ किया तो ये बन गया। तो आप देख सकते हैं सब ग्राफ की किस तरीके का ग्राफ बना है, सब बच्चों को आता होगा कि पैराबोला कैसे बनाना है और ये कैसे बनाना है, एक्स टी इक्वल टू टी कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले डी एक्स वाई मुझे दे रखा है, मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मुझे मीट्रिक वीट्रिक कुछ नहीं शो करना। तो डी एक्स वाई क्या है, सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स टी माइनस वाई टी। ठीक है, एक्स टी की वैल्यू डाल दी टी, वाई टी की वैल्यू डाल दी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैंने ये ग्राफ इसलिए सिखाया आपको यहाँ पे क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि मॉड के अंदर जो ये टी माइनस टी स्क्वायर है ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि पैराबोला वाला जो ग्राफ है टी स्क्वायर वो हर पॉइंट के ऊपर इन द इंटरवल 0 to 1 हर पॉइंट के ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है और स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब टी ग्रेटर रहेगा और टी स्क्वायर छोटा रहेगा। ठीक है ना, तो मैंने इसको क्या लिखा यहाँ पर कि सुप्रीमम टी माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि टी बड़ा है और टी स्क्वायर छोटा है तो टी माइनस टी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। तो जब मॉड से बाहर आता है मॉड एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो टी माइनस टी स्क्वायर क्योंकि ग्रेटर देन जीरो था तो जब मॉड से आया तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ गई सबको। अब देखो मुझे तो सुप्रीमम निकालना है, सुप्रीमम एक तरीके से मैक्सिमा है और ये क्या बन गया, सुप्रीमम टी माइनस टी स्क्वायर फंक्शन बन गया। तो वट आई विल बी डूइंग इज आई विल मैक्सिमाइज द फंक्शन टी माइनस टी स्क्वायर इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो मैंने एफ टी मान लिया थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को टी माइनस टी स्क्वायर को। अब इसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो एफ डैश टी आ गया 1 - 2t, पुट द डेरिवेटिव इक्वल टू 0। आपने डेरिवेटिव को 0 डाला तो ये आ जाएगा t इक्वल टू हाफ आ जाएगा विच बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब आपने एफ डबल डैश टी निकाला, एफ डबल डैश टी आपका -2 आ गया विच इज लेस देन 0। आपको पता है सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है तो हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज होता है, तो मेरा फंक्शन मैक्सिमा हो गया एट टी इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो डी एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया, सुप्रीमम ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दीजिए इसकी, टी की वैल्यू डाल दीजिए और टी स्क्वायर की वैल्यू डाल दीजिए तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा आपका। ठीक है,
तो मैं मतलब जो भी मैक्सिमम निकल आएगा, और हमारा फंक्शन डी एक्स वाई से डिफाइंड है, तो डी एक्स वाई हमारा निकल कर आ जाएगा जो डिस्टेंस उसने मांगा है। ठीक है, तो वैल्यू आ गई मेरी 1/4। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से मैंने आपको आज एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन कराए और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीट्रिक कराया, डिस्क्रीट मीट्रिक। नेक्स्ट क्लास में और इस चैप्टर को आगे चलाएंगे बेटा। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।